प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पूरा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के मतवाले अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद यह आज़ादी हमें नसीब हुई है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा, बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश के आंतरिक और बाह्य में लगे सेना और पुलिस के वीर जवान को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। आज़ादी के बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने कल्याणकारी राज के आदर्शों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं नमन करता हूं देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की। महान एवं दूरदर्शी सोच रखने वाले बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का भेद भुलाकर उनके बीच सामाजिक भाईचारा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह बात सही है कि देश की आज़ादी देश के आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग आज़ादी के बाद पिछले 75 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त हुए हैं, लेकिन अभी भी हम समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य से दूर हैं। मेरे विचार में हम तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल ना होंगे। हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आज़ादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूती एवं ईमानदारी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। नवाचार सूचकांक में झारखंड की प्रदर्शनी बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्र परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने की से हरियाली
में कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना एवं श्रमिकों का पलायन भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारी सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11,000 स्थानीय युवकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में हम राज्य से पलायन को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, पर विपदा की स्थिति में हम अपने प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कई बार दुर्घटना आदि में श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से 1,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मैं मजदूर भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम उनके साथ है। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास की गति देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। इसी उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति में कोर सेक्टर, खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखंड की पहचान फिर से स्थापित होगी। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। इस अवसर पर राज्य के उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए सिडबी और उद्योग विभाग के बीच एमयू भी साइन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगी। हमारी सरकार द्वारा राज्य को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्यटक स्थलों एवं उसके आसपास आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। मैंने सभी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। राज्य निर्माण के बाद पहली बार
हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक युवतियों की नियुक्ति किया है। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पदों को भी भर चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्या के पद पर नियुक्ति पूर्ण कर ली गई है एवं कुछ जगह नियुक्ति की प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। जेपीएससी के नियमावली गठन करने के साथ साथ हमने रिकॉर्ड 251 दिन में विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में मैंने वादा किया था। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले इसके लिए राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इन सब से राज्य में एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आई है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पिछले दिनों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में राज्य के युवा खिलाड़ी लवली चौबे एवं रूपा रानी तिर्की ने लॉन बॉल प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर देश और झारखंड को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे, निकी प्रधान, संगीता कुमारी इस विजेता टीम का हिस्सा थीं। इसके पहले भी सलीमा टेटे व निकी प्रधान ने ओलंपिक में अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आज हमारे राज्य में कई खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन की शुरुआत की जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांग को सम्मान से जीने का हक प्राप्त हो सके। प्रारंभ होने के बाद अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा जा चुका है। राज्य के 29,000 से भी अधिक गांव में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक से ज़्यादा राशि चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है। प्लास ब्रांड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों को अलग पहचान मिले तथा लोगों के द्वारा इन उत्पादों को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। सखी मंडल के उत्पादों को राज्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल योजना तथा दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया था। उक्त सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 21,000 एकड़ में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जलछाजन सिद्धांत को अपनाते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 20,000 योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा लगभग 81,000 योजनाओं पर कार्य जारी है। वीर शहीद पोटोहो खेल योजना के तहत 140 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा 2,487 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की लगभग 5 लाख महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। मनरेगा में राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि
से राशि की व्यवस्था करते हुए दैनिक मजदूरी के रूप में 237 रुपये भुगतान कर रही है। हमारी सरकार हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत और मजदूरी कर फसल उगाते हैं और राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1529 करोड़ रुपए की राशि 383,102 कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए करने हेतु अब तक 4,28,000 नए केसीसी आवेदन स्वीकृत करते हुए 1583 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों के प्रशिक्षण हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा किसानों का गुणवत्ता युक्त बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में 74.16 लाख टन खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की रिपोर्ट मिली है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन की में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य फसल राहत योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष भी राज्य में वर्षा कम हुई, ऐसे में हम फसल राहत योजना के तहत 100 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। झारखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का पावर हाउस बनाने के लिए झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। हमने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा देवघर, सिमडेगा, गढ़ावा, पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करने हेतु 100 यूनिट तक की खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य में शहरी क्षेत्र में हरा भरा बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील है। राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। इस वर्ष राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 95.6% छात्र छात्राएं सफल हुई हैं, जो अब तक सर्वाधिक परिणाम प्रतिशत रहा है। विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर अगले 6 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्कूलों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में जिला स्तर पर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तर पर 305 आदर्श विद्यालयों की स्थापना पर तेजी से कार्य जारी है। 15 नवंबर से राज्य के युवाओं के लिए CM सारथी योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा ना हो, इसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं।
उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य में सड़कों का जाल बिछाना हमारा लक्ष्य है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक कर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ पर प्रस्ताव रखा गया था। राज्य सरकार के प्रयासों से 8 बड़ी परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके तहत लगभग 30,000 करोड़ की लागत से 1,570 किलोमीटर फोर लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारतमाला के तहत स्वीकृत अन्य सड़कों और राज्य द्वारा स्टेट हाईवे का निर्माण पर भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। रांची एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों पर फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के हर कोने के लोगों की समस्या को सुनने एवं उन्हें दूर करने के उद्देश्य से आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसके तहत 35 लाख से अधिक समस्याओं को सुनने के पश्चात उनका निराकरण किया गया। सरकार शीघ्र ही उन अभियान को द्वितीय चरण को प्रारंभ करने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में अधिसूचित जनजाति के 10 छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांग गोंके जयपाल सिंह पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 24 लाख छात्र छात्राओं को 282 करोड़ रुपये की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 लाख छात्र छात्राओं को 301 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। असंतुलित विकास एवं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण आज समूचा विश्व जलवायु संकट एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जल जंगल जमीन से जुड़े हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली संपूर्ण मानव जाति को जीने की एक सच्ची राह दिखाता है। हमें समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह को आगे बढ़ाना होगा। भारत की सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति ही भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद है। इसमें नफरत के अलावा अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। आओ मिलकर नया देश बनाएं, भारतवासी होने का हम फर्ज निभाएं। प्यार है हम सबको इस मिट्टी से, इस मिट्टी का अब हम कर चुकाएं। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।